मैं इतनी अपने माशरे से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने बच्चों को ऐसे हैवाना से शादी करने से पहले, कोई हमें लोग ना सोचते लड़का बाहर है, लड़का डॉक्टर है, कर को अंख्या मुझको दे रहा होती हमारे माँ बाप, प्लीज नक्को करो, पहले पूछताछ करो लड़का कैसा है क्या है, पहली चीज दिन में है क्या देखो, खास कर ऐसे लड़के दिन में नहीं आते। इरफान काजी को कितने रकअत नमाज नहीं मालूम था उसे, कितने रकअत नमाज बकरीद की फर्ज नमाज कितने मालूम नहीं, वैसा आदमी है, कुरान नहीं मालूम, पहली चीज अपनी वो लड़की में कुरान नमाज की पाबंदी, कुरान जानता क्या, इस्लाम जानता क्या, औरत की इज्जत जानता क्या, वो जानो, नहीं कहो तो करो लोग ऐसे को हमारी जिंदगी बर्बाद करो लोग को, हमें हमें बहुत अल्लाह हुजूर की रहमत हमें लोग, प्लीज हमारी इज्जत रख लो, हमारे माँ बाप बड़ी इज्जत से करती, वो इज्जत से मान लो, तुम्हारे बेटे बहन को शादी कर लो तो जीने दो, हमें नौकरानियां बना कर रखो लोग को। बेंगलुरु के तमीम अंसारी की दुख्तर डॉक्टर नूर फातिमा ने अपने शोहर रहे डॉक्टर इरफान काजी के खिलाफ मीडिया के रूबरू संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। 7 जनवरी 2024 बरोज इतवार तमीम अंसारी और उनकी दुख्तर डॉक्टर नूर फातिमा ने बेंगलुरु के लिंगराजपुरम में मौजूद अपनी रिहाइश गाह में मीडिया से खिताब किया और डॉक्टर इरफान काजी और उनके ख़ानदान वालों के खिलाफ मुतअद्दिद इल्ज़ाम लगाए हैं। जहेज के लिए हिरासा करने, छोटी छोटी बातों पर जुल्म सितम ढाने, एकलौते बेटे को ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश, इस तरह कई इल्ज़ामात लगाए हैं। बात कुछ यूं है कि तमीम अंसारी की दुख्तर डॉक्टर नूर फातिमा का निकाह साल 2017 में डॉक्टर इरफान काजी से हुआ था। डॉक्टर नूर फातिमा के वालिद तमीम अंसारी कहते हैं कि पूरी शान व शौकत के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी अंजाम दी। शादी के बाद दुल्हे मियाँ की जानिब से की जाने वाली फरमाइशों को पूरा करते रहे। शादी के कुछ अरसे बाद इरफान काजी का सिलेक्शन बरतानिया में जूनियर डॉक्टर के तौर पर हुआ। डॉक्टर इरफान काजी और डॉक्टर नूर फातिमा बरतानिया यूके मुंतकिल हुए। इन दोनों मियाँ बीवी को एक बेटा भी नसीब हुआ, लेकिन तमीम अंसारी और नूर फातिमा कहते हैं कि इरफान काजी और उनके ख़ानदान वालों की जानिब से छोटी मोटी बातों के लिए जुल्म सितम ढाने का सिलसिला जारी रहा। कई मरतबा समझाने बुझाने की कोशिशें हुईं, लेकिन इरफान काजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तमीम अंसारी ने कहा कि आखिरकार उन्होंने पुलिस स्टेशन और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जवाब में इरफान काजी ने भी नूर फातिमा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज करवाई। ये तनाज़ा जारी रहा, लेकिन इरफान काजी ने अचानक अपने बच्चे को तहवील में लेने के लिए कोर्ट में केस दर्ज किया। साथ ही तलाक के लिए भी इरफान काजी कोर्ट से रुजू हुए। तमीम अंसारी और नूर फातिमा कहते हैं कि उनके इल्म में लाए बगैर तलाक मंजूर करवाई गई, जिस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है। बहरहाल कोर्ट कचहरी का सिलसिला जारी है। डॉक्टर नूर फातिमा और डॉक्टर इरफान काजी का अज़दवाजी रिश्ता तकरीबन टूटता हुआ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अफसोस इस बात पर है कि दो तालीम याफ्ता ख़ानदान, MBBS जैसी बड़ी डिग्री रखने वाले मियां बीवी, जिन्हें इल्म, दौलत, इज्जत सब कुछ हासिल है, इसके बावजूद इख्तलाफात इस हद तक जा पहुंचे हैं कि अज़दवाजी ताल्लुकात टूटने के कगार पर हैं। डॉक्टर इरफान काजी का क्या बयान है, ये मीडिया में नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर नूर फातिमा कहती हैं कि उन्होंने डॉक्टर इरफान काजी में दीनी तालीम, अखलाकी तालीम की कमी देखी है। नूर फातिमा कहती हैं कि दीनी तालीम, अखलाकी तालीम न होने के सबब इरफान काजी ने बीवी का मकाम व मरतबा नहीं पहचाना, जो इज्जत बीवी को देनी चाहिए थी वो नहीं दी। तमीम अंसारी और नूर फातिमा ने कहा कि वो अपनी बात सिर्फ इसलिए मीडिया में रख रहे हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता तय करने से पहले सिर्फ मालो दौलत, आला तालीम, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ देख कर अपनी बेटियों का रिश्ता तय न करें, बल्कि अखलाक, दीनी तालीम है या नहीं, इस बात की भी तस्दीक कर लें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सिर्फ MBBS था,
और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीम अंसारी है। मैं आप लोगों का दिलो जान से सबका शुक्रगुजार करता हूं कि हमारी तकलीफ जो परेशानियां उठा रहे हैं हम लोग, इसको आप लोग इसको एक हकानियत के रास्ते में एक जस्टिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे पास हमको साथ दे रहे हैं। हम सब आपका दिलो जान से शुक्रिया, मेरी बच्ची, हम पूरी फैमिली के तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि मेरी बेटी नूर फातिमा डॉक्टर नूर फातिमा है, इसकी शादी में सैयद इरफान खाजी, उनके वालिद का नाम एस बाबाजान खाजी, उनके बेटे से मेरे बेटी का 2017 दिसंबर में निकाह हुआ था। उसके बाद में उन्होंने जो जो जैसा जैसा मांगे जो मांगे उसे सब हमने उनकी शर्तें पूरी की, हर चीज़ के तरीके से मीठी मीठी बातें करके जो मांगे, यहाँ तक के जहेज के तरीके से अच्छे से अच्छे जो भी जहेज दिए और जेवरात दिए और कार बेंटो कार दिए। उसके बाद में फिर घर का इंटीरियर करा को दियो, बोले दो दो घर के इंटीरियर करा को दिए, वो सब उसका कुछ हमें मुआवजा नहीं पूछे। उसके बाद में वो लड़का सिर्फ MBBS था और मणिपाल हॉस्पिटल मलेशरूम में एज ए रेसिडेंट डॉक्टर काम कर रहा था। उसके बाद में हमारे से शर्त रखी कि हमारे बच्चे को MD की सीट दिलाओ बोल के, हमें बोले बहुत मुश्किल है, MD की सीट काफ़ी महंगी होती है, हम कुछ करेंगे। फिर कोशिश करके बीजापुर में SD पाटिल मेडिकल कॉलेज में जाके पैसे अरेंज करके मैंने मेरी बच्ची के हमारे जो साइट थी बेच के पैसे अरेंज करके लगभग 50 लाख रुपए उनको नकद के हिसाब से मैं देता हूँ बोल के प्रॉमिस करके मूव करा। वो अनफॉर्चुनेटली वो लड़के को वहाँ पे सीट नहीं मिली, ऐसा 3 मरतबा वो फेल हो गया था। उसके बाद में फिर से क्या हुआ, ये इनको इसका धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद इसके ऊपर मेंटली हरासमेंट शुरू हो गया, टॉर्चर करना शुरू कर दिए, हर बात को जलील करते थे मेरी बच्ची को, छोटी छोटी बात पे तानाचीनी करते हैं हमें। वो और लोग करे बोले कि नहीं दे, चंद दिन जाने दो, रहने दो। फिर एक दिन के बाद ये आई कि प्रोविडेंट इसमें हेगड़े नगर में वहाँ पे 1 बेडरूम का फ्लैट अलग रखेंगे बोले, हमें बोले खुशी की बात है चलो ठीक है बोल के वो पूरा घर का इंटीरियर हमारे सर, हमने बोले आप ही करके देना है। मैं बोला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि मैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर हूँ, मेरी हैसियत के हिसाब से अच्छे से अच्छा करके दिया, लगभग 9 लाख रुपए खर्चा करके पूरा इंटीरियर करके दिया। उसके बाद में फिर क्या करें, उनके माँ के और हमेशा उनकी माँ हर चीज़ में हर बात से इसको एकदम रंज पहुँचाती थी, छोटे छोटे छोटी छोटी बात पर तकलीफ देना शुरू कर दी। माँ नूरजहाँ है और हर चीज़ का हमें मेरी बच्ची भी आंखों से देखी है, उसका तकलीफ और परेशानी देखी है, और उसके बावजूद भी हमें कई मरतबा उनको समझा को बोलते नहीं भाई ऐसा ज़िंदगी कर लेके जाओ, ये सब नीचे ऊपर होता है बोल के। उसके फिर अलग वहाँ पे अपार्टमेंट में शिफ्ट करें, हम वहाँ पे एक कंडीशन रखे, मैं इसके माँ बाप को भी हम कोई भी वहाँ नहीं आना। बोले अरे क्या बात है भाई, हमारी बच्ची को हमें मिलने नहीं गए तो किसे मिलने जाना, खैर चलो कहाँ की खुश रहेंगे बोल के कोशिश करें। वहाँ गए सो दो तीन महीने में इसे UK में ऐसे एज ए असिस्टेंट नर्स सीनियर एक इमरजेंसी सीनियर जूनियर डॉक्टर के हिसाब से UK में स्ट्रोक ऑन ट्रेंड में काम मिला है इसे UK गवर्नमेंट से। तो मैं जाता हूँ बोला हमें यहाँ से खुशी की बात है जाओ बोले। जाने के 1 महीने के बाद मेरी बेटी को भी लेके गया था, ये मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स इन गायनेकोलॉजी कर रही थी, OBGYN गायनेकोलॉजी, बुला लेके जाओ बोले। गए वहाँ पे, जाके वहाँ पे छोटी बात को कहीं फिरने गए तो इसको इतनी गाली गलौज किया था वहाँ पे कि ये वहाँ से रोके बोलने रहे पापा ये मुझे छोटी बात कुछ नहीं, एक वहाँ की लोकल एक खूबसूरत तस्वीर उठा के मेरे बेटे को भेजी, उसी वो छोटी बात के लिए 3 दिन इसको चिल्लाते रहा था, अल्लाते मेंटली ये करता था, छुप रह गया ना। बाद में ये 1 महीने के बाद में आई, वीज़ा लगा के आई तो वो पॉजिटिव था, प्रेग्नेंट थी, सभी बोले अच्छा चलो खुशी की बात है, कुछ तो बदलाव होता, बच्चा माँ बच्चे होने के बाद आदमी में चेंजेस आते हैं बोल। देन 4th या 5वें महीने में इनको फिर हमें वापस भेज डाले उनके शोहर के पास,
वैसे जब से हर बात पे, हर चीज़ पे तकलीफ, हर बात पे, छोटी सी छोटी बात पे परेशानी। शी इज़ नथिंग बट ए मेड सर्वेंट की जैसा वो घर में थी। इसकी डिलीवरी के जब हम आठवां महीना पूरा हो रहा था, थोड़ा माइनर इशू था बच्चे की डेवलपमेंट में, तो बोले कि आप माँ बाप को, हमको दोनों को आओ बोल के ये इंसिस्ट कर रही थी मेरी बेटी। मैं बोला बेटा ठीक है चलिए, तो आते हैं। बोले तो वहाँ गए, जाके देखे तो क्या है कि इत्तेफाक से उस दिन गए शाम में, सुबह में समझाया उसको लड़के को, देखो ये इसका कोई सीरियस मैटर नहीं है, रहने दो, कल सुबह में डॉक्टर के, सीनियर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेके इसका जो भी है बाद में देखेंगे, जल्दबाजी मत करो। पता नहीं वो फिर शाम में, फिर उसकी माँ से मान लिया पहले, फिर शाम में उसकी माँ से फ़ोन में बात किया, बात करके बोला नहीं मैं डिसाइड कर दिया, मैं हॉस्पिटल चल टेस्ट कराने लेके जा रहा हूँ। ठीक है भैया, टेस्ट करा को ले, अच्छी है क्या कुछ प्रॉब्लम है कि क्यों कर रहे हैं तुम, इरफान बोले तो नहीं नहीं मुझे बताना है। लेके गया, इंड्यूस करा दिया और बच्चे की हार्ट बीटिंग कम होते आ गई, तो फौरन उसको सर्जरी कराना पड़ा। हमको ये बात मालूम नहीं, हम लोग मैं मियाँ बीवी दोनों घर पे थे। रात के 2 बजे मुझे फ़ोन करता है नूर का, ये सीजरिंग हो गया ये है बोले। मैं फौरन दौड़ा जाके हॉस्पिटल में गया, तो जो डॉक्टर जो सीजरिंग किया था वो इतना बहुत से सामने आया। आई डोंट नो व्हाई दिस जेंटलमैन हैज़ डन, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। क्या मुझे थोड़ा एज ए बाप थोड़ी तकलीफ हुई मुझे, नहीं इरफान क्या इरफान ये तुमने सब्र नहीं किया एक दिन के वास्ते, तुम्हें सब बीच में आना नहीं, हमारे मियाँ बीवी का मैटर। अच्छा भाई ठीक है, छुप रह गए। उसके बाद में दूसरे दिन घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, तुम जाओ यहाँ से, तुमको रहना नहीं है। बोले यूके में गया, से आज नहीं हो तीसरे दिन, मेरा बेटा लंदन में था, मैं वहाँ से चलो भी रहने कैसा भी कर लेंगे बोल के। फिर मेरी बीवी के साथ में थी मेरी बीवी उम्मे आसमा, उन्हें देखी कि इसको बोलता है कि हर काम तो एक तो सीजरिंग होके है और बोलता है चलो उठ वो कर, ये कर, बाथरूम धो, वो सफाई कर, खाना बना, मेरी मम्मी नहीं पकाना, तू नहीं बनाना है उसको बनाना है। समझा रहे थे बेटा ऐसा नहीं, थोड़ा सबर करो तुम, ऐसा चुप रहो बोल के, अच्छी बात है। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन 15 दिन हो गए, तो बाद में इसको बोलता है कि तू मेरे बाजू आके सो, कौन मेरी जरूरत पूरी करे। भैया 40 दिन होना है यदि बीत का पीरियड है, वो सब साइंटिफिकली क्या भी नहीं है, इनके दोनों के जो है छोटे छोटे बात पे इसको हटा। मेरी बीवी कुछ बोलती तो ये करें, बड़ी मुश्किल से 2 महीने तक मेरी बीवी वहाँ रही। उसके बाद में बोला इतने मैं चले गई तो ये लोग अच्छे रहते जाने, हमारी वजह से शायद इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आ गए, आने के बाद में हर दिन, हर 8 दिन में 15 दिन में जैसे माँ बोलती है वही करो, माँ बोलती है ये फलानी चीज़ करना है तो वही करना है। अरे भाई समझदार है भाई, तू डॉक्टर है समझ, कोशिश कर, नहीं नहीं तुम्हें बीच में आना नहीं। हर 15 दिन में इनकी वीडियो कॉल्स में, यहाँ से वीडियो कॉल में बात करके उनको समझा दिया, कोशिश हम बहुत कोशिश करें, बहुत कोशिश करें। इतने साल मिलकर रहे, इन्हों 2017 हुआ और 2021 में इंडिया को मैं बुला लिया, यूके से। रीजन कई को बुला लिया, मेरे बेटे की शादी थी, भेजने तैयार नहीं था, मन मेरे बेटे की शादी थी, बड़ी मुश्किल से समझा के बुला लिया। शादी एक साल पोस्टपोन, शादी वो भी शादी वो आगे हुआ। फिर उसके बाद में एक दिन इत्तेफाक से रात में करीब 12:30 बजे में फोन कर दिया, पापा मुझे घर से बाहर ढकल दिए, बच्चे को रूम में बंद कर दिए। तो एक दिन इत्तेफाक से रात में 12:30 बजे मुझे फोन कर दिए, क्या हुआ पापा, मुझे रो रही चिल्ला रही, रोड के बाद घर से बाहर ढकल दिए, बाहर खड़ी हूँ। अरे क्या बात की बात, क्या माँ बोले तो ये बात पे, छोटी सी बात के लिए उन्होंने हंगामा बजा के शेर मेरे ऊपर उठा के फिर गए। मैं हट गई बाजू, बच्चा रूम में रो रहा है, छोटा बच्चा मासूम, 6 महीने का था, डेढ़ साल का था, बाहर फेंक दिया। फिर उनके वालिद को रात में फ़ोन किया, मैं यहाँ पे कहा हीरानंदानी अपन ग्लन गेट अपार्टमेंट में रहते हैं, हाजी हाजी साहब मेरी बच्ची को तुम्हारा लड़का बाहर कर दिया है, मैं बात करता हूँ रुको। फिर लगभग 1.5 घंटा टाइम बाहर खड़ी इन्हें, उनके बच्चे, बच्चा अंदर चिल्ला रो रहा है, उसको होश नहीं है, अब पागल जैसे हरकतें कर रहा है। उनके बाबा बात करे क्या करे मालूम नहीं, रात में घर को बोले, उन्होंने बोले मैं 2-3 दिन में मैं यूके जा रहा हूँ, इनका क्या प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, हम ये इसको डरा के रखा था, अगर तू कुछ भी करी
तो पुलिस कंप्लेंट दी तो मैं बच्चा फोस्टर उठा के चले जाते और तेरे बच्चे को छीन लेते हैं। वो डर की वजह से ये बेयन या डॉक्टर डर के चुपचाप बैठी थी। इत्तेफाक से उनके वालिद जाने के बाद मैं फिर इत्तेफाक से और एक मरतबा क्या हुआ, कोई शॉपिंग के लिए गए बर्मिंगहम में, छोटी सी बात पे बोली मेरा था बच्चा छोटा है थकी हुई हूँ, आप लोग शॉपिंग करो मैं यहाँ बैठती हूँ। शॉपिंग करने के बाद मैं आके तू क्या मेरे अम्मा बाबा को सपोर्ट नहीं करती, बोल के एक पकड़ के ढकल दिया, नीचे गिर गई पूरे बर्मिंगहम मॉल में, रोने लग गई। तो उनके बाबा फौरन आके, वहाँ लोग जम गए तो कुछ हंगामा हो सकता है, वहाँ तो कानून स्ट्रिक्ट है, समझा बुझा के घर पे लेके आके फिर वहाँ पे रात में इंसाफ फिर बात कर बिठाए। मेरे को बोला कि भाई तेरे को मैं बेच के नहीं दिया हूँ, तो काम वाले से बदतर रखा है, उसकी औकात एक बाहर के कॉफ़ी पीने की नहीं है, घर का जितना है हर पैसे पैसे का हिसाब देना है, इतने पैसे में इतनी ज़िंदगी करना है। अरे भाई तेरे को कम है तो मैं बोल, मैं यहाँ से देता हूँ, तुझे नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से, वैसे तो बहुत मरतबा उसको पैसे दिया हूँ वहाँ पे, और एक मरतबा मुझे कार नहीं है, मेरी कार पुरानी हो गई, बोला तो क्या करना है, बोला मुझे मर्सिडीज बेंज या नहीं तो BMW कार होना, बोला ये मेरी बच्ची फ़ोन करी पापा उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, बोले मैं बोला कोविड है, कोविड की वजह से बिजनेस मेरा कम है, एक काम करो मैं 10 लाख रुपये अरेंज करके देता हूँ, तुम एक सेकेंड हैंड कार ले लो या नहीं तो EMI में 10 लाख डिपॉजिट करके बाकी के EMI में मैं यहाँ से भर के देता हूँ, इसका मंथली रेंट आ रहा था। उसके बीच में एक मरतबा उनके वालिद रहते इसके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है इरफान के और हमारे नवासे के नाम पे ट्रांसफ़र करना, हमारे नवासे का नाम सैयद इहान खाजी है। मैं बोला मैं ना नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके नाम के है तो उसे है। फिर वो कार का मसला 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र कराया, फिर उसे रिक्वेस्ट कराया जाके वो जेटा कार 12 लाख रुपये में लिया कैश में, इसके पास जो पैसे थे वो सब जमा के लिया, चल भी वो भी हुआ, खामोश है, कुछ भी करो हर छोटे दिन दूसरे दिन आज की बात करता है, वहाँ ख़त्म नहीं करता, फिर दूसरे दिन उठ तू क्या कर रही है इसके मुंह से सुनो वो हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से हमें इंडिया को बुला लेता है, घर पे मेरे बच्चे का शादी की ये थी, एक मेरे लड़के के दादा ससरे करीब 86 ईयर्स की उम्र है, मतलब जब बड़े ज़रा पीरी मुरीदी के सिलसिले के हैं, तो हमें उनके घर को गए तो उनकी ताज़ीम करें बच्चे हमारे, हम बच्चों को इस तरह के तरीके से जो है ताज़ीम करें, इन्हें भी उनका हाथ को ऐसा बोसा दी। घर पे आया तो मेरे सामने गैर मरद माने का हाथ कैसा पकड़ी, इरफान ये रो रही है, बोल रही है, समझा रही है, इरफान वो ज़ईफ़ हैं, मेरे दादा हैं, उनको मैं हाथ को ऐसा बोसा दी सो मैं कोई हाथ नहीं पकड़, नहीं तो नहीं पकड़ना, ये मन है ये है वो। मेरे घर में बड़ी धूम मच गई थी, ऐसे जानवर जैसे थे, मैं पहली मरतबा उसकी हैवानियत देखा यहाँ से, पहले सुन रहा था इसके मुँह से, अरे ये मुझे लगभग डेढ़ घंटा, रात के डेढ़ घंटे हो गए उसको समझा को बुझा के, वजू बना के, पानी पिला के, समझा को सुलाया, भाई सो जा सुबह में बात करेंगे, अच्छा सो गया। इसके ऊपर इतनी चिल्ला रही थी, हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट कर रही है मैं आपके आगे बात नहीं करूँगी, अरफान छोड़ दो आपके आगे बात। मैं बोला भाई तू डॉक्टर है, अरे डॉक्टर पेशेंट का हाथ पकड़ा तो क्या तू उसको भी गले में हाथ डाल के मारेगा क्या, बोले तो नहीं ऐसा नहीं, समझने को तैयार नहीं है, जानवर जैसा बिहेव कर रहा है। दूसरे दिन सुबह में नाश्ता करके गया, आधे घंटे के बाद मैं बोल रहा फिर वापस आया, अभी वो गेट के पास नहीं आया, हमारे घर में 3 दिन बाद शादी है, इतवार को शादी है, ये जुमेरात के दिन सुबह में यहाँ गेट से वहीं से चिल्ला के आ गया, यहाँ घर में बैठ के पैर पकड़ लो नहीं, भाई मेरे घर में शादी है बेटा, तुम्हारा बड़े बेटे जैसा तो प्लीज़ खामोश हो जा, आगे क्या करना है देखेंगे। फिर साहब मुझे कौन, मुझे तुम्हें कौन जी पूछने, तुम्हें कौन जी बोलने, क्या इन्हें बोली मेरी बच्ची जो पापा उनको जाने दो, छोड़ो लो खामोश के रह जाओ, मैं बेटी तू जामा तो अंदर जा बोला। फिर निके में मेरे बच्चे के साथ निका था इतवार के दिन शाम में, सब साढ़े रात के 10:30 बजे VIP ये उनके वन ऑफ दी VIP गेस्ट है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ही इज़ अ वेरी नोन पर्सनल VIP गेस्ट आए, तो वहाँ पे पूरा नोशो का खाने का इंतज़ाम कर रहे थे, तो उनको बोले 2 मिनट आप तशरीफ़ रखिए, हम आपको VIP ट्रीटमेंट, आप आए हैं तो हमें मेहमान नवाजी हमारा फ़र्ज है। वो लड़की के चाचा को तू कौन रहे बोलने, तू हम मंगे कैसे बैठता क्या रहे बोलने के वास्ते, ये शादी घर महल में ये हंगामा मचाया और पूरे सब मिल के समझाए, वो मेरी बहू के ससरे उनके चचेरे सब बिठा के समझाए,
जाके बड़ी मुश्किल से बिठा को समझे, इसके माँ बाप शादी छोड़ के चले गए, उनके भी पैर पकड़ना बाकी था मेरे को, भाई गलती हो गई, चलो माफ़ करो आप, पहले खाली दो मिनट की इल्तजा पूछे। दूसरे उन्होंने चले गए, इसको रूम में लेके जाके 12 बजे रात के 2 बजे तक इसकी क्लास ली है, 2 बजे के बाद में बुला ले करके मुश्किल से घर को लेके आए, खामोश रहे। दूसरे दिन खामखा उन लोगों को, उनके मेरी नए संगियों को बुला लेके आके सामने माफ़ी मांगने कर आया उसको, भाई इसे माफ़ करो, मेरा जान दामाद है, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा लेना है, बचा लो प्लीज़ मेहरबानी करो। उन्होंने आके कोई गलती नहीं थी फिर भी माफ़ी मांगी, उन्होंने बड़ा अफसोस के साथ बोल रहा हूँ, ये सब देख रहा था, चुप रहा था। बाद में बीच में एक छोटा सा प्रोग्राम था, बच्चे का कुछ हकीका ये चेहला करना था, तो छिल्ले के दिन मेरी बच्ची को रिक्वेस्ट करे कि बेटा तू जा रही है 15 दिन के बाद, एक दिन में या 2 दिन में एक बार हमारे घर को जा, जय वो सब होगा जी, अब तुम्हारे घर को भेजते ना हमें बच्ची को, मेरी बीवी रिक्वेस्ट कर रही है मेरे दामाद, उससे दामाद उसको इरफान को, दामाद तो नहीं रहा हो, इरफान को रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई नहीं, नहीं होता, होता नहीं चलेगा। मैं बोला भाई कर दे वाला होगा, बात खत्म जी तुम्हारा, कैबिन भूल जाना तुम्हारे बेटी भाई नको भाई ऐसा कर को, तो मेरे बर्दाश्त से देखा था, आंखों से सुना था, तो उसको मैं भड़क के बोला भाई एक काम कर, तू मेरी बच्ची को यहाँ रख जा, तो तेरे बड़े को बुला लेगा, जो शादी में आपको शादी करे उनको सब बुला लेगा, उससे मुझे तू तू मई नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई बातचीत में, मैं थोड़ा भड़क गया था उस दिन की, मुझे अफसोस है उस बात का। फिर बड़े उनके बड़े हमारे सब बैठ के फैसला करे, फैसला करके बोले कि तुम्हारी बच्ची को 1-3 महीने 6 महीने रख लो, शी वॉज मेंटली ट्रामा जैसा हो गया था इसको, ये अपने आप को स्टेबल ही नहीं थे, बोले कि तुम्हारी बच्ची को 3 महीने या 6 महीने रख लो, बाद में उसको जाने दो, यूके जाने दो, बाद में भेजेंगे बोली। वो जाने के बाद में हर दिन फ़ोन करना, इसको गाली गलौज देना, हर दिन फ़ोन करना, कुछ ना कुछ बोलना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूर फातिमा है। ये कुछ मैसेज एज ए डॉक्टर, मैं खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट, बहुत हमारे जैसे लड़कियाँ बहुत सफर हो रहे, मैं किस नहीं, मेरे साथ बहुत देखी हूँ जो लड़कियाँ आती, ये किस मैसेज कि सब लड़कियाँ हमको एक मैसेज जान दे और उनके माँ बाप को एक मैसेज जान दे कि ये हालत में नको लेकर हम ना, तो इतना तक हमारे पापा बोले, यहाँ से इतना बोलती हूँ कि जब हमारे पापा ऑलमोस्ट 6 महीने उनके बड़ियाँ के पास गए, छः से सात महीने उनके बड़ियाँ के पास गए, हमने कहा फिर रिजॉल्व करो दियो, उनको बुलाओ सामने क्या भी करो करके, उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं उनके घर के बड़े, बाद में एक हद तक उन्होंने बोले उन्होंने इमरान और उनके उन्होंने आगे आते नहीं घर को, आप जो लीगल स्टेप्स लेना आप जो करना करो, इन लोगों हम बातों से सुनने वाले नहीं, उनके खुद उनके खानदान के बड़े बोले हमने ये बात। फिर गए हमें हमें पहले शिवाजी नगर जो ब्रॉडवे में है वहाँ वो पुलिस स्टेशन को जाने में उन्होंने बोले नहीं वहाँ नहीं आता, फिर हमें इसे बनशंकरी के पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर हमें ये लॉन्च करें कंप्लेन लॉन्च करें NCRO लॉन्च करें, एक महीना तक वेट करें, उन्हें NCRO बनशंकरी वाले फ़ोन करें उनको वहाँ पर इरफान को, देन उन्हें बोला नहीं वी आर परमानेंट सिटीजन ऑफ UK, और हमें कंप्लेन कई करेंगे तो बहुत उसके अम्मा बाबा पूरे यहाँ से भाग गए, UK को चले गए, जो यहाँ का रातों रात मालूम नहीं, फ्लाइट में बैठ को नूरजहाँ काजी अपने बहन को बोल रही मैं UK जा रही हूँ घर को, हाँ हमें रमजान ये मेरे इमरान को बात करे बाद में हो कैसी, हमें 2 महीने फिर भी वेट करे आते कुछ नहीं, एक आवाज फोन और इरफान फोन करना छोड़ा लिया ऑल ऑफ सडन, बाद में एकदम फोन कर को लेफ्ट एंड राइट किससे पूछ कर काम को गई कहाँ पड़ी किसके साथ गरी गाली गलोट बच्चा कहाँ है किसे छोड़ को आई किसके साथ फिर रही रात को, अब होता नहीं करके भी करी, फिर आग ले लग जा तुम्हें बच्चे को कौन रोकता मंजे, मैं आपको उठा लग जाती हूँ बच्चे को नहीं मैंने भी दिया था, बाद में आपको हमें कंप्लेन करे फिर उन्हें एक कंप्लेन दिया लो, बाद में फिर हमने बनशंकरी से शिवाजी में ब्रॉडवे को भेजो वापस, बाद में उन्होंने कंप्लेन लिए NCR लिए NCR हमें कंप्लेन डाल को उनको डाल दे, फिर उन्हें काउंटर कंप्लेन डाको इरफान और उनके क्लाइंट जो लॉयर आको काउंटर कंप्लेन डाले कि यानी मेरे ऊपर काउंटर कंप्लेन, देन हाँ कि खुद हाँ कि जो सब इंस्पेक्टर है उन्हें बोली नहीं आप FIR लॉन्च कर डालो, इन लोगों है नहीं बहुत आगे का सोच को तुम्हें लॉन्च करो तुम्हें FIR करके हमें कंप्लेन FIR लॉन्च कर डाले, वहाँ से लॉन्च होते हुए कुछ आवाज़ पुकारा नहीं कुछ नहीं जरे दिन, बाद में अगस्त में हुआ ये, देन मैं लॉयर्स के पीछे बड़ा हमारा है नहीं बहुत
एक खुद लेडी डॉग, एक लॉयर है, बहुत 4 महीने मुझे शाम को बिठाती, चार चार अवर बिठाती थी ऑफिस में, कुछ नहीं करती, पैसे लेने का लेती बट चार चार अवर बिठाती, इधर उधर की बातें करती, तो मैं हॉस्पिटल जाती सुबह को, शाम को 5 बजे घुसकरने जाकर रात के 9-10 बजे तक उसके ऑफिस में बैठती, आज नहीं माँ कल करेंगे। ठीक है, हमारे माशरे की एडवोकेट है, मुसलमान है, उसके पास एक उम्मीद से गए, मेरे पास लगभग 1,00,000 रुपए ली सिर्फ हमारी बच्ची को, मुझे जाना उनके इसमें बैठना, ऑफिस में बैठना, कल लाओ परसों लाओ, बिरयानी खेंगे वो खेंगे फरमाइशा वो सब करे, बाद में हमारे से नहीं होता क्यों, मैं तंग आ गया, नहीं होता मुझे, ऑलरेडी मेरी जिंदगी में 4 साल में वेस्ट करा ली, अब नहीं वेस्ट कर सकती, कुछ तो करना है मुझे, लगने मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की जिंदगी देखना करके सब छोड़ा ली मैं, कोई केस नहीं जाती थी, कोई ये नहीं करती थी। एक दिन रमजान में, लास्ट जो अब रमजान में था, फोन आया हम ना, हमारे जो बड़े घर जो शादी में बड़े दम करे थे, नहीं उन्हें इरफान फोन कर रहा है, उन्हें एक चांस पूछता है, बच्चे को बात करने दी, उन्हें अपनी बीवी को बात करना है उसको करके, एंड उनकी रिक्वेस्ट में अच्छा ठीक है करके मैं बात करने लगी, वीकेंड्स पे, हर वीकेंड पे 3 वीकेंड में बच्चे को बात करने दी, उसको बच्चे को बात करता है, बच्चे को कहाँ पढ़ा तू, किसके गौरा के घर में पढ़ा तू, वो तेरा घर नहीं यूके तेरा घर, तुम्हारे मेरे तुम्हारा नाना ऐसे आदमी, तुम्हारे नाना वैसे आदमी, गली ऐसे वैसे बातें कर, फिर यूट्यूब इसमें अमेजोन में दिखा, खुद देख तुझे ये कार, ये लंदन ऐसा है, सो लंदन में जाए, यू कम बैक, यू टेल मम्मा टू कम टू यूके, यू डोंट स्टे देयर, यू टेल मम्मा डोंट स्टे देयर, यू वांट टू गो टू यूके, योर मम्मा इज बैड, योर मम्मा इज नॉट गुड, ऐसे बातें करने लग गया। मैं फिर भी बोलती, क्या कर रहे काजी तुम्हें, समझो बच्चा होने, बच्चे की इज्जत से बात करो, बस सर समझो, प्यार मोहब्बत से बात करो बच्चे से, ये सब बातें करने की चीज़ें नहीं है। ठीक है, मैं बस बोली आओ आप साथ जाओ, मैं ये नहीं कह रही, सामने आओ बैठो, एक पैसा नहीं हो रहा अलहमदुल्लाह, एक सेटलमेंट नहीं होगा, तुम्हें भी सुकून नहीं, मुझे भी सुकून नहीं, विल गुड, विल टेक अ डिसीजन, एटलीस्ट फॉर इहान, लेट्स बी गुड पेरेंट्स, एक पेरेंट्स के हिसाब से एक डिसीजन नहीं है हमें लोगों, नहीं तू आ जा, तू यूके आ जा, केस वापस ले यूके, नहीं बात तुम्हें आओ पहले, बाद में बात करें, होते होते 3 हफ्ते बाद में आई गेट अ समन, समा जाना था बच्चे का कस्टडी केस डाल को जनवरी में, देन उनको फोन किया, क्या हुआ ये मुझे, तो बोली तुम्हें फोन बोलना था, मैं बच्चे को मिलना है, मैं बात करनी, तुम्हें कस्टडी बच्चे के ऊपर कहीं को कोर्ट को ले ले गए तुम्हें, दोनों के नाम से सेकंड नोटिस हमने ऐसा क्या हमारे से धोखाबाजी कर रहा उन्हें, तो हमारे एक मेरे कजिन ब्रदर हैं रहीम बोल के, उन्होंने फोन लेके उसको लेफ्ट एंड राइट लिए, तू मजाक कर रहा है क्या हमारे बढ़िया के साथ थे, तू करना चाहता है क्या आखिर में बोल के, और फोन रख दिया, उसके बाद में उसके बड़े भाई को बात करे हुए इमरान को, उन्हें सुनने को तैयार नहीं है, उसकी एक ही अना जिद, मैं जो बोलता हूँ वोच करना, भाई तेरी बात सुनते आ तू, हमें बोले तू एक बार मौका दे हमको, हम इंडिया आ रहा है तो हमें आते, हमारी से गलती है, अगर तू बोल रहा हमारी से गलती तू प्रूव कर, हमें बड़े के सामने के तो नहीं, हमें नहीं आते, हमें कोर्ट से फैसला लेती बोल। बाद में तो होते होते ये बच्चे का केस हो गया, चलने को था केस में, फिर मैं जाके और एक सोनिया करके अच्छी लॉयर है उससे बात करी, उन्हें मैंने मीडिएशन में एक ही तक मीडिएशन में आके मैं कुछ भी बात करने रेडी नहीं हूँ उसमें भी चले गया, फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट 6-7 मीडिएशन एक में भी नहीं आया, मैंने कोर्ट केस में आ गया, इसमें आया, कोर्ट में आ गया, चल दे के था मैं जा रही हूँ, उन्हें एक भी कोर्ट केस में आके नहीं है, बच्चे के केस में भी नहीं, डाउरी केस में भी अब तक रिप्रेजेंट नहीं करके उन्हें, उसका खाली उसका लॉयर आ रहा उसको, देन लगभग 1 महीना पहले मुझे मालूम हुआ कि उसका शादी फिक्स होगी करके, बीच में मई के महीने में हमारा सडनली कोटगहली पुलिस स्टेशन से फोन आता है ना कि तुम्हारे पर बाप बेटी दोनों के ऊपर हॉस्पिटल में हूँ, मुझे एक कोटगहली पुलिस स्टेशन से फोन आता है, क्या होता है आपके ऊपर FIR है, मैं क्या FIR है, नहीं आप जाके गलाटे करेंगे तो आप आना पुलिस स्टेशन, मैं समझ में नहीं आया, लाइक नोटिस सर्विस, देन मैं अपने लॉयर को दिखाई, नहीं तुम्हारे ऊपर ये है करके पांच केसेस बुक करें उसमें क्रुएल्टी, वो माँ साहब को ज़ईफ औरत, उसको मैं मोलेस्टेशन किया, उसकी प्राइवेट पार्ट को मारा, उसके हस्बैंड को थप्पड़ मारा, बल्कि इतवार की 28 मई को केस बुक करी, रात में जाकर बाकायदा पुलिस अपने हाथों से लिख के दी, और हमारी उस दिन हमारी कौन सी नसीब अच्छी थी, कौन सा ये था हमारा, कौन सा नेक हमारा अमल आगे
कि हमें उज़्र नहीं थे यहाँ पर, हमें ऊटी गए थे। एक दिन पहले मेरी फैमिली मेरे भाई की फैमिली सब मिलके हमें ऊटी जाइए बोल के इसमें क्या वो मसनगुड़ी में ऊटी में मतलब जो हफ्ते की सुबह जाके मंगल की शाम में ही हमें वो ये कंप्लेंट करी इतवार की शाम में 5:30 बजे उस वक्त हम मसनगुड़ी में हमारे हमें वहाँ सब लॉज में सब हॉलीडे मना रही। ये जाको पुलिस स्टेशन को बोले तो मानने को तैयार नहीं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ बोल के वो सब इंस्पेक्टर शुरू में बहुत ही मेंटली हराश किया, बाद में उसको हर तरीके से समझाए क्यों कि उनको क्या होता है बच्चे की कस्टडी में दे डालना हमें मजबूर होकर उनको सरेंडर कर डालना बड़ी मुश्किल से हमें 2 महीने हमें वाका पड़ी काफ़ी जद्दोजहद के बाद में हमने बी रिपोर्ट मिला हो उन्होंने बाकायदा उन्होंने ऊटी को आए और सीसीटीवी फुटेज हमारा जो ट्रैवलिंग है ये है बिलना है सब देने के बाद में लगभग 2 महीने हमें खाली सिर्फ दोनों हमें पुलिस स्टेशन जाना हाजिरी डालना और आना। उनका लायर बाकायदा हर दिन सुबह में आता और उनके वो सीनियर इंस्पेक्टर को नाम नहीं लेना चाहता उसको ब्राइब की लालूस देता था। कौन सा पुलिस स्टेशन बोले? कोटगेहल्ली पुलिस स्टेशन है इसमें और उन्होंने कहा था सब इंस्पेक्टर भी उनके जो असिस्टेंट दोनों ये मसनगुड़ी इसे क्या वो लॉज को जहाँ पे रिसॉर्ट थे वहाँ है वहाँ पे रिपोर्ट लिए वहाँ का सीसीटीवी चेक करें फिर वहाँ से पूरा रिपोर्ट बनाए वो ले को फॉलोअप करने के वास्ते हमारी हालत 2 महीने हालत से वो हालत बेहाल अल्लाह हमने बचा लिया किसकी नेकी आईडी मालूम नहीं। अगर हमें खुदा ना खास्ता उस दिन यहाँ इंडिया में बेंगलुरु में रहते हैं हमने और एक हमने कुछ ना कुछ कर देते इन लोगों। और उसके बाद में भी मैं उसके बकरीद में जब उनका भांजा इरफान का भांजा मुझे फ़ोन करके ईद में ना मैं बोली कई को तो तू फोन कर रहा है बाद में तेरे ऊपर भी झूठा मैं तुझे मारी करके वो चाहता था कि बच्चे को आँख में रमजान में मिलने दी थी मैं बच्चे को बोला मैं बकरीद में भी आँख मिलना चाहता हूँ मेरे भाई को बोली क्यों बात ऊपर में तेरे ऊपर झूठा के मैं फिर और एक झूठा केस डालने नहीं भा मामी उन्हों सब दीवानी होगी उन्होंने सब बच्चे को कस्टडी लेने का से तुम्हारे ऊपर झूठा केस डालने से फोन में बोला उन्हें वो बच्चा कैसा अदीब ऐसा सब करे तो करके वो होगा वो उस चीज़ से निकले। बाद में शादी मुझे मालूम हुआ शादी हो रही इसकी कर को किसके साथ क्या हुआ अगर को पूरा ढूंढ को वो लड़की की तरफ से क्या हुआ लड़की के रिश्तेदारों ने इसको मेरी बच्ची को फोन करे कि तुम्हारे ऐसा इरफान के साथ रिश्ता था क्यों क्या बारे में टूट गया। मैं बोली ये टूटा नहीं है अभी केस है ये क्या कस्टडी का केस चल रहा हमने अभी कुछ ऐसा कुछ ये नहीं किया नहीं तुम्हारा डाइवर्स हो गया बोल इसको वो डाइवर्स की कॉपी हमने भेजे ये मैं एक महीना पहले मुझे मालूम है महीना पहले मालूम है लेकिन अक्टूबर 5 को डाइवर्स हो गया एक्स पार्टी का एक्स पार्टी क्रुएल्टी अडल्ट्रेशन और एक्सट्रैक्शन मैंने उनको 2 करोड़ रुपए पैसे मांगा बोल के मैंने यहाँ तक के हमारे बिलाल कमेटी में बोला हूँ भाई उसको पैसा और देना है तो मैं देता हूँ वो हमेशा पैसे का लालची है हमको ये आके सेटल करके लेके जाओ नहीं नहीं हमको कोर्ट वो बिलाल कमेटी वालों ने फोन करके उसे बात किए उसके बड़े भाई को उसको उल्टा वो बड़े उसका बड़ा भी बिलाल कमेटी वालों को उल्टा सीधा बोलने लगा तो करके बच्चे कस्टडी दे हमें खुला हमें बच्चे की कस्टडी दिए तो हमें खुला साइन कर दें इतना मजबूर कर दिया हमको। बाद में उन्होंने बोले बिलाल कमेटी वाले नहीं होता भी ये कोर्ट से सॉल्व करो ये लोग सुनने वाले नहीं है वहाँ पे मजबूर हो गई। बाद में मैं शॉक कहाँ से मैंने डाइवोर्स बिकॉज मैं अब तक मैं अब एक 1.5 महीना पहले मैं मैरिज डिसोल्यूशन के ऐसे डाली उस कोर्ट में कैसा मेरा डाइवोर्स हो गया। बाद में नेक्स्ट डे हमारे लॉयर जाके चेक करे तो समन सर्विस नो नोटिस सर्व नहीं होते हैं ना खाली ऐसे फिक्सेशन होते हैं वो भी नहीं होता वो भी फॉल्स रिपोर्ट बना के पूरा फॉल्स रिपोर्ट एक ही दिन जनवरी 17 तारीख को डाइवोर्स और कस्टडी केस फाइल करी लेकिन हमें मालूम होने दिए ने और कस्टडी हमें समझे कस्टडी का केस डाल रहा है कहीं तो उम्मीद थी कि कहीं तो कुछ ना कुछ एक हल निकलेगा बोल कोई उम्मीद नहीं है हमको शौक ये इसका जो डाइवर्स जो वो दूसरी शादी हो गई नहीं वो पता नहीं अब उन्हें रोक ये सब उन्हें जब देखे डाइवर्स के जो आपको पेपर्स जो आए जो मतलब ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर जो है डिसीजन हो गया आप नहीं आए बोल के तो क्या उसे अपर कोर्ट में अपील जा रही है अभी हमें जाके स्टे ले को अभी जाके हम बिकॉज जैसे 15 दिन पहले स्टे लिए तो हमें जाकर हम बोलने में जज को उन्हें खुद बोल रही है कैसा फॉरवर्ड कर सकती उन्हें कुछ फास्ट ट्रैक करके पता नहीं क्या करके है लीगल वे से नहीं होकर वो जो प्रॉपर चैनल्स होना था वो नहीं होके उन्हें कुछ करके ऑर्डर्स ले लो और इरफान खुद बोलते हैं वो लड़की की माँ से नूर को पता नहीं है ये डाइवोर्स हो गया है उनका आज तक उसे मालूम नहीं है उसे मालूम नहीं इसलिए हमें डाइवोर्स ले ली उसको ये खुद वो लड़की की माँ को बोल को है। okay,
इन कंक्लूजन मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि 5 साल मैं सफर हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी, मैं खुद ऐसे मैं अपनी नजर में खड़ने से कि वैसी हालत करे थे, मेरी सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हालत करके छोड़ा था ये आदमी कि मैं अपने आप को पहचान नहीं थी, मैं कौन, मैं किधर, मैं कब को, मैं उसकी सिर्फ उसकी हाँ मैं हाँ, बिकॉज उसके ताने से एक ताने से डरती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे माँ बाप की इज्जत, सोसाइटी की इज्जत, मीन वो डर सोसाइटी का डर में ही नहीं, हर चीज़ अपने आप को बर्बाद कर ली, बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स अपने भाई अपनी भावज की मॉरल सपोर्ट से मैं फिर ही अपने आप को खड़ पाई कि यदि मेरे पास तो अच्छे माँ बाप थे, बच्चे का एक वो एक यू नो स्ट्रेंथ था मेरा बच्चा कि अपने आप को मैं फिर से खड़ पाई। मैं इतनी अपनी माशरे से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे हैवाना से शादी करने से पहले, कोई हमें लोग ना सोचते हैं लड़का बाहर है लड़का डॉक्टर है कर को अंख्या मुझको दे रहा होती हमारे माँ बाप, प्लीज़ नक्को करो, पहले पूछताछ करो लड़का कैसा है क्या है, पहली चीज दिल में है क्या, देखो खास कर ऐसे लड़के दिल में नहीं रहते। इरफान काजी को कितने रकअ नमाज नहीं मालूम था उसे, कितने रकअ नमाज मतलब फर्ज नमाज कितने मालूम नहीं, वैसा आदमी है, कुरान नहीं मालूम, पहली चीज़ अपने वो लड़की में कुरान नमाज की पाबंदी, कुरान जानता क्या, इस्लाम जानता क्या, औरत की इज्जत जानता क्या, वो जानो, नहीं कहो तो करो लोग ऐसे को हमारी जिंदगी बर्बाद करो लोग को, हमें हमें बहुत अल्लाह हुजूर की रहमत हमें लोग, प्लीज हमारी इज्जत रख लियो, हमारे माँ बाप बड़ी इज्जत से करती वो इज्जत से मान लियो, तुम्हारे बेटे बहन को शादी कर ली तो जीने दियो, हमने हमें नौकरानियाँ बना कर रखो लोग को, हमारे माँ बाप हमें नौकरानियाँ करको करको दिए नहीं तुम लोगों को, इज्जत से एक घर बसा ली करको दे रही सो एक एक खानदान की और बढ़ने करको, वो एक रिक्वेस्ट। और दूसरी चीज टच है कि मैं इरफान से एक मैसेज देती हूँ, तुझे नहीं हो मानी बात, तुझे मैं मंजूर भी नक्को खत्म कर दा, आ सामने आ, जो है 2 साल से तुझे किस चीज दो है नहीं, तू बैंगलोर में मालूम तू है अभी बैंगलोर में, आप आ सामने मर्द, अगर तेरे में इंसानियत है तो अगर मर्द माना है तो सामने आ, सामने आकर बैठ को बात कर, बात कर को तुझे नहीं होना रिश्ता, सामने बैठ को बोल नहीं होना रिश्ता कर को, चोरों के जैसा छुपने को धोखेबाजी नको, बहुत 5 साल धोखा दे डाला, बहुत बहुत फ्रॉड कर डाला, बहुत मैनिपुलेट कर डाला, बस बस सब बस बहुत हो गए इंसान, हमें क्या भी तेरी चाहे तेरी से मोहब्बत करने कर को हमें बिजनेस के निकल वाले सो इसका इतना फायदा नको उठा इरफान, आ सामने आकर बैठ। और दूसरी चीज मेरा बच्चा जब से कंसीव कर लू मैं उसकी हर दर्द में संभाल लू, मैं नहीं देती मेरे बच्चे को तो क्या होना कर लेगा, जो मेरे ऊपर गुजरा जो टॉक्सिसिटी मैं गई जो मैं बर्बाद हूँ मेरे बच्चे मैं बर्बाद होने नहीं देती। अभी आप क्लियर कर दो आप उनके साथ रहना चाह रहे हैं एक नंबर वन, इसके बावजूद भी अगर उन्हें कोई अगर आपको ये मौका दे नहीं बड़ों के बीच में नहीं मैं दोबारा बीवी बच्चे को इख्तियार करता हूँ करके अगर कोई मौका दिए तो क्या आप उसे मानने के तैयार हैं, अगर आप नहीं बिल्कुल सेटलमेंट होना है बोले तो आपके क्या शराइत हैं क्या डिमांड्स हैं, यानी जो भी आप पैसे दिए थे कार दिए थे ये दिए थे क्या वो आप वापस चाहती हैं? नहीं मुझे सिर्फ मेरे बच्चे की कस्टडी होता ये बताइए बताइए क्या मैडम क्या डिमांड्स हैं ना कुछ डिमांड्स क्या क्या इसके बावजूद भी अगर आप कोई रास्ता निकलता है मिलकर रहने का तो क्या आप मिलकर रहने के लिए तैयार हैं? नहीं अभी एक ऐसा हो गया इतना टॉर्चर से बहुत मौका दे दिली 2 साल वेट करी मैं कुछ तो यू नो उसमें यू नो चेंजेस आती आदमी में एहसास होता उसमें वो जानवर कभी बदलता नहीं जानवर कभी इंसान नहीं बनता इतना मैसेज है सो मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ इरफान से और उसकी फैमिली से और उसके लॉयर को सामने बड़ा भी। उसके बड़े उसे रिक्वेस्ट करूँ उस आंधे उनके बड़े आंधे उनके बड़े आपको हमारे साथ लीगली या उसकी टीम आपको हमारे साथ जो है सेटलमेंट कर ले को लेट्स गो पार्ट यू लिव योर लाइफ इन पीस आई लिव इन माई पीस बट मेरे से कोई डिमांड्स नहीं है मुझे कुछ नहीं होना मुझे मैं होना अपना मेहर भी माफ कर डालती हूँ सिर्फ मुझे मेरी बच्चे की सेफ्टी होना मेरा बच्चा नादान है 4 साल का है उसे उसकी माँ की जरूरत है उसे मेरे बिना नहीं रह सकता टच मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे बच्चे की सेफ्टी मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन वो एक ही चीज मुझे दूसरा मुझे कुछ नहीं होना तुम्हारे से तुम्हें तुम्हारे रास्ते में जाओ तुम किस कुछ को शादी करना है इरफान तुम्हें कर लो जाको मैं नहीं रोकती बट लीगली व्हाट इज रिक्वायर्ड कम फिनिश दैट In a justified manner. In a justified manner.
एलिगेशंस नहीं होना। उस वक्त मेहर अदा कर रहे थे मेहर अदा करके, और जो भी आप दिए थे इनके सेटलमेंट, इन सेटलमेंट जो भी आप, जैसा कि आपके वालिद साहब ने बताया कि कार दिए थे, गोल्ड ज्वेलर्स दिए, मेरी ज्वेलरी वापस दे डाले, हाँ मेरी जो, और इन रिटर्न मेरी जो ज्वेलरी नूरजहां के पास है वो पूरी की पूरी ज्वेलरी मुझे अटैच होना और उनकी चीज ऑलमोस्ट 60 लाख की ज्वेलरी है मेरी उनके पास, मेरी ज्वेलरी मेरे पास मुझे वापस दे डालो, और जो उनका जो भी है हम वापस दे जाती हूँ, उनके जो ड्रेसा है उन्होंने शादी में निके में जो ड्रेसा पहनाए सब थे उनकी ज्वेलरी तो उन्होंने दिए थे वो भी उनके पास है, उनकी ज्वेलरी उन्होंने रख लेने, मेरी जो मेरे बाबा मुझे दिए थे वो मुझे वापस दे डाले, और जो कार के वास्ते हमारे पापा ट्रांसफर कर रहे थे अकाउंट में नहीं होना, खाली हमारी मेरी ज्वेलरी दे, मेरे बच्चे को मेरे यहाँ पर हैंड ओवर कर डालने, बच्चा जब 11 साल का जो लीगल तरीके से जो होता है बच्चे को वो होने दे टच, और मुझे तंग करना छोड़ो, मुझे अब्यूज करना छोड़ो, आज भी अभी उन्हें खाली बच्चा, मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ कोर्ट से, और ये आके कि वीकली 2 टाइम बच्चे को 15 मिनट बात करा सकते, आप मुझे बोलो एक 4 साल का बच्चा कितने मिनट वीडियो कॉल में बात करता है, मेरे से मई फोन करी तुम्हें मेरे से लगभग आधा मिनट बात करेगा, मम्मा कहाँ ही तुम्हें कैसे, ठीक है मम्मा आई एम बिजी आई टॉक टू यू लेटर करके चले जाता, मुझे रोज मैसेज नहीं, 15 कोर्ट से मैंडेटरी 15 मिनट बात कराना, यू हैव नॉट ऑब्लाइज टू द कोर्ट ऑर्डर, यू आर क्या यू आर गोइंग अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर, आई विल ब्रिंग यू इन द कोर्ट, ऐसे मैसेज ऑन करता फोन करे बाद में, ये काम का बच्चे को तक समझ नहीं सकता उन्हें बच्चे की हालत, अगर रहा बच्चे को क्या है बातू समझ बच्चे की हालत, प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग एनी मोर, प्लीज स्टॉप दिस इरफान काजी एंड नगमा काजी एंड इमरान काजी एंड नूरजहां काजी, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू स्टॉप दिस, इससे पहले भी तुम्हें रिसेंटली क्या अभी भी बच्चा बात कर रहा है, वीकली ट्वाइस बात करा था अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर, बट ही इज नॉट कंप्लाइंग टू 15 मिनट्स, ही टॉक्स 2 मिनट बात करता फिर वो चले जाता बिजी होते चले जाता बच्चा, वो नहीं हो रहा करके मेरे ऊपर मैसेज आ पर मैसेज आ, नहीं अब डाइवोर्स नोटिस देने के बावजूद भी दिन बात की चीत कर रहा हूं, हां अच्छा वो जो तलाक लेते हो ना कैसा लेते हैं, क्या आपके सामने लेते हैं ऐसा कुछ नहीं लेते, हाँ। जबान लेते हैं या जबान से कभी बोलते नहीं कि ऐसा तलाक दे रूं करके, हां उन्हें गए चोरी से विदाउट द नॉलेज ऑफ बोलन चोरी से कोर्ट पे जाके कोर्ट से ऑर्डर्स लेके सबको बोल को डाइवोर्स होगा करके बोली, मुझे आज तक एक महीना पहले मालूम हो कुछ डाइवोर्स को, दो महीने हो गए डाइवोर्स होके, 2 महीने के बाद में मालूम हो रहा कोर्ट से, बट कभी सामने से बोल के नहीं है मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ तलाक दे रहा हूँ, कभी आज तक बोल के नहीं है, और वो नूरजहां का एक कॉल था जब स्टार्टिंग में ये सब शुरू हुआ था, ये लड़की हमें बर्बाद करके रखती, इसे बच्चा भी छीन लेती हमें, और ये बच्ची को नूर को मुझे बर्बाद करके छोड़ती, कहीं का नहीं रह रहे वो इरादे से ये मेरे साथ इतना सब कर रही, और आज भी बच्चे को छीनने की नॉन लीगल वे ट्राई कर रही है लोग, कोई जज से क्या कर रही मुझे नहीं मालूम, और बोल इसमें फेसबुक पर सब ये डाली कि हैप्पी न्यू ईयर इंशाल्लाह वी विल पुल आवर किड योर किड आउट ऑफ हेल होल इट इज स्टक इन दी सून इट इज बीन स्टक इन दी सून करके फेसबुक में इमरान खाजी ऐसे मैसेजेस डालता है, जो अपने आप को ग्लोबल हेड समझता हूं मैं फेसबुक में ऐसे सभी पोस्टिंग करता है ऐसा। जी सर। मैंने हमारे माशरे से हमारे माशरे के बड़ों से और सबसे हर कौम के माँ बाप बच्चों के माँ बाप से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी रिश्ता फाइनल करने से पहले उनका आगे पीछे उनका बैकग्राउंड सब चेक करके शादी करो। मैं देखा हूँ कि कोर्ट में हमें कितनी तकलीफ झेलना पड़ रहा है, हमको कितने परेशानियाँ उठाना पड़ रहा है, एक एडवोकेट है तो कोई बच्ची के हर एडवोकेट से हर माशरे के हर बड़ों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी इंसाफ के लिए आ रहे तो उनके इंसाफ सही तरीके से उनके इंसाफ मिल जाए, उनको जस्टिफिकेशन मिल जाए, इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। हमारे से जो हो गई हमारे से जो परेशान हो गए वो आगे कोई हमारे माशरे के हर बड़ों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे आप लोग सोच समझ के कोई रिश्ता करना है तो करो, ये फॉरेनर अमेरिकन डॉक्टर्स इंजीनियर्स बोल के जाके गड़े में मत पड़ो, दलदल में मत पड़ो जैसा हम फंस गए, इतनी रिक्वेस्ट है मैं हम सबसे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप दरियाफत नहीं करे थे? दरियाफत नहीं करे थे, हमारे मौका ही नहीं दिए थे हमको, वेरी शॉर्ट टाइम में शादी कर दिए, 20 से 29 डेज में शादी रिश्ता तय करके चले गए थे।